हेलो दोस्तों, मैं जयश्री आपका स्वागत करती हूँ जयश्री किचन में। आज हम गोंद के लड्डू बनाएंगे, तो देखते हैं। गोंद के लड्डू स्पेशली न्यू मॉम के लिए होता है, लेकिन सर्दियों में इसे सभी को लेना चाहिए। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए आज देखते हैं जयश्री किचन में गोंद के लड्डू कैसे बनती है। ये मैंने अदरक लिया है और ये सोंठ का काम करता है। अदरक को मैंने छील लिया है और इसे धो लिया है, और ये कच्चा हल्दी है, इसे भी धो लिया है। अब इसे मिक्सी में पीसेंगे। मैं कढ़ाई में घी डालूंगी, घी को मेल्ट करेंगे। हमारा मेल्ट हो गया है, अब इसमें मैं ये डालूंगी, गोंद को डालूंगी, और हल्के हाथों से इसे भूनना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए हमारा गोंद कैसे हल्का हो गया, और पॉपकॉर्न की तरह खिल गया है। अब इसे मैं निकाल लूंगी। और इसमें फिर से मैं वही प्रोसेस से गोंद को फिर डालूंगी, और थोड़ा थोड़ा करके इसे भूनेंगे। इसे चलाते रहना है। इसे लो फ्लेम पर चलाएंगे। सारा गोंद अब भुंजा गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। और फिर से मैं घी इसमें थोड़ा डालूंगी। और इसे मैं काजू डाल रही हूँ, और ये बादाम है, इसे रोस्ट करेंगे। इसे लो फ्लेम पर ही चलाते रहेंगे। अब काजू और बादाम भुंजा गया है, देखिए इसका कलर चेंज हो गया, अब ये पक गया है। इसे निकाल लूंगी। इसे मखाना को रोस्ट करेंगे, ये भी लो फ्लेम पर ही चलाएंगे। इसे भी खाना बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, रोस्ट हो जाता है। देखिए इसका कलर, इसे चलाते रहेंगे तो ये जल जाएगा, तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसे मैं चलाती रहूंगी। अभी नहीं हुआ है। मखाना का कलर चेंज हो गया है और ये पक भी गया बहुत अच्छा। देखिए क्रश करने पर हो जा रहा है। अब इसे मैं निकाल दूंगी। ये नारियल का चूर्ण है, और इसे भी मैं चलाती रहूंगी। हल्का रोस्ट करना है। देखिए कितना जल्दी जलने लगता है, इसीलिए इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और इसमें खुद का अपना ऑयल होता है, इसलिए इसमें मैंने घी नहीं डाला है। इसका
इसके कच्चेपन को दूर करना है, बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो ये अब हो गया है, तैयार हो गया। अब इसे मैं निकाल दूंगी। फिर से इसमें घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। मैंने हल्दी और अदरक को पीस दिया है मिक्सी में, और पीसने के बाद इसे अब मैं इसे भूनूंगी। इसके कच्चेपन को दूर करना है और अब चलाते रहना है। अब हमारा हल्दी भुंजा गया है, देखिए पूरे तरह से पक गया है ये। अब इसे मैं निकाल लूंगी। ये मैं निकाल रही हूँ। चम्मच की सहायता से इसे भी निकाल लेंगे। देखिए अब मैंने कढ़ाई को क्लीन कर लिया है। अब इसमें मैं घी डालूंगी। घी हमारा मेल्ट हो गया है तो मैं अब आटा डालूंगी। आटा 1/2 kg के लगभग में मैंने लिया है। इसे भी लो फ्लेम पर भूनेंगे और चलाते रहेंगे तो आटा नीचे जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसीलिए इसे चलाते रहेंगे। ये गेहूं का आटा है, नॉर्मल जिसकी रोटी बनती है। और इसके लिए हमें मोटी परते की कढ़ाई लेनी चाहिए, जिससे कि आटा और हमारा सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से भुना पाए। इसीलिए मैंने इसे मोटा कढ़ाई लिया है, मोटा सरफेस वाला कढ़ाई लिया है। बस इसे नीचे में, इसे तले में जलना नहीं चाहिए, धीरे धीरे इसे चलाना है। और आटा भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा ये भुना जाएगा लो फ्लेम पर, और इसके कलर बहुत अच्छे चेंज हो जाएंगे, बहुत अच्छे कलर आए। अब हमारा आटा तैयार हो गया है, देखिए भुंजा गया है। अब इसे हम निकालेंगे। अब इसमें गुड़ डालेंगे, गुड़ को फोड़ कर डालेंगे और इसे भी लो फ्लेम पर ही डालेंगे, चलाते रहेंगे। चलाते रहेंगे और धीरे धीरे हमारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा। अब गुड़ मेल्ट हो रहा है तो गोंद को भी क्रश कर देंगे इधर। ये मैंने इलायची डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा सौंफ डालेंगे। और इसे चलाएंगे। देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। इसे लो फ्लेम पर ही बनाना है चाशनी को। तो देखिए गुड़ हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। यहाँ से मैं चेक कर रही हूँ, नहीं अभी तैयार नहीं हुआ है। तक चाशनी को तैयार होने देते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला रहे हैं। आटा में ये रोस्ट किया हुआ मखाना मिला रही हूँ। ये गोंद है। नारियल, अदरक और हल्दी का ये पेस्ट है, इसे भी मैं मिला दूंगी।
और पिस्ता बादाम और काजू का ये क्रश कर दिया है मैंने मिक्सी में, सबको मिलाएंगे। ड्राई फ्रूट आप जितना मिलाना चाहते हैं उतना मिला सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। और मैं ये किशमिश मिला रही हूँ, सबको अपने हाथों से इस तरह मिलाएंगे। अभी से मैंने मिला लिया है, अब गुड़ की तरफ जा रही हूँ, देखती हूँ गुड़ मेरा तैयार हुआ है कि नहीं। एक गुड़ हमारा तैयार हो गया है, इसमें मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करूंगी, मिला रही हूँ, ऐसे जल्दी जल्दी मिलाना है। बताएंगे तो गुड़ हमारा ठंडा होने के बाद जम जाएगा, इसलिए इसे मैं जल्दी जल्दी मिला रही हूँ। इसे मैं अब थोड़ा सा हाथ में आने लायक हो गया है, तो इसे मैं हाथ से मिलाऊंगी। अभी भी पूरा गर्म है तो थोड़ा देख कर मिला रही हूँ। थोड़े से घी मिला दूंगी, देखिए कितना अच्छा बन गया लड्डू, तैयार हो गया है। अब इसी तरह सारे, देखिए कितना अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। आप जितने बड़े साइज लेना चाहते हैं उतना बड़ा साइज लें और इसे बनाएं। अगर आपका ये ठंडा हो जाता है पेस्ट, तो इसे हल्के हल्का सा गर्म कर लें और फिर इसी तरह शेप दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए हमारा गोंद का लड्डू तैयार हो गया है, और कितना अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा टेस्टी भी है बहुत। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू। मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस रेसिपी को फॉलो करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लगा यह वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।